सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन लगातार 5 दिनों की तेजी के बाद बाजार आज प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आया। फर्स्ट हाफ में तो एक फ्लैटिश टोन पे कामकाज था फ्रंटलाइन इंडेक्स में, एटलीस्ट निफ्टी सेंसेक्स के अंदर। निफ्टी बैंक हालांकि तेजी के साथ आज सुबह कामकाज कर रहा था और पीएसयू बैंकिंग बास्केट भी तेजी में था फर्स्ट हाफ तक, यानी 12-1 बजे के अराउंड तक। लेकिन सेकंड हाफ में जो बिकवाली है वो थोड़ी और इंटेंस हुई, और बिकवाली इंटेंस हुई फ्रंटलाइन में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जो कि 0.5% तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे, वो 0.5% 1% की बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। और बिकवाली बड़ी बैंक्स के अंदर, पीएसयू बैंकिंग बास्केट के अंदर, आईटी के अंदर, जो कि 2.5% की बिकवाली के साथ आज बंद हुआ। मेटल के अंदर, जहां पे कल तेजी की बातचीत हो रही थी, वहां आज प्रॉफिट टेकिंग आई। थोड़ी बहुत खरीदारी आज ऑटो में रही, और ऑटो ही इकलौता ऐसा इंडेक्स था जो कि हरे निशान में कामकाज कर रहा था। मल्टीपल ट्रिगर्स जो आज कामकाज कर रहे थे बिकवाली के लिए, पहले तो एलटीसीजी टैक्स की खबरें बाजार में घूम रही हैं, एक वो बड़ा ट्रिगर बना। दूसरा बॉन्ड यील्ड, जहां पर एक स्पाइक आया और बॉन्ड यील्ड के स्पाइक मार्केट्स ने निगेटिवली लिया। रशिया और यूक्रेन के इश्यूज तो चल ही रहे, वहां से भी निगेटिव न्यूज फ्लोज लगातार बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ट्रिगर्स जो कि मार्केट देख रहा था, और उन ट्रिगर्स के बाद यहां पर बिकवाली का एक दौर जो है वो बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन मार्केट में प्रेशर और कई सारे फ्रंटलाइन इंडेक्स के स्टॉक जो कि बेटर साइड पे कामकाज कर रहे हैं, कई सारे जो कि थोड़े से ऑलरेडी बिकवाली दिखा चुके थे, तो वहां पर पुल बैक आ रहा है। 2-3 क्रूशियल नाम जो आज मेरे जहन में, पहला तो ऑब्वियसली था पेटीएम, आज नया लो बनाया 600 रुपए का, जो एक रीसेंट सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया उसने और अपने नए ऑल टाइम लोज पर ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जुबिलेंट फूड आज कल की बिकवाली के बाद थोड़ा सा वापस पुल बैक सुबह दिखाया था, 2.5% के आसपास ही तेजी एक समय में यहाँ पे देखने को मिली थी, लेकिन मोरलेस बहुत डैमेज कल के बाद आज नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा। और उसके अलावा आज शुगर में प्रॉफिट टेकिंग थी कल की बढ़िया तेजी के बाद आज, लेकिन पेपर में तेजी देखने को मिली। तो अलग अलग साइक्लिकल मूव अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर कामकाज होते हुए दिख रहे थे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, कि उम्मीद यही लगा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल ही आजकल आ रहे होंगे, तो इसीलिए मैं सवाल ही सीधे शुरू कर देता हूं। पहला सवाल भावेश रिमली साहब का है, थैंक यू सर, बहुत समय बहुत अंतराल के बाद आज आपसे वापस मुखातिब हैं। जुबिलेंट फूड फ्यूचर, शिवम साहब अगर आप जुबिलेंट फूड का फ्यूचर पूछ रहे हैं तो अलग बात है, और जुबिलेंट फूड फ्यूचर की बात कर रहे हैं जिसमें आप ट्रेड करते हैं उनकी बात करें तो मैं उसको ट्रैक नहीं करता। ऑब्वियसली बात है शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में मैं ट्रेड या ट्रैक नहीं करता हूं। लॉन्ग टर्म के लिए हाँ, एक रिपोर्ट मैंने आज ही पढ़ी, HDFC की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 2700 का टारगेट दिया था, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, उसमें 2-3 से बड़ी क्रूशियल थी। पहला ये बात सही है कि जो नए सीईओ साहब, मतलब जो पुराने सीईओ साहब गए, उन्होंने कंपनी की दिशा दशा में बहुत बदलाव किया है। 1% की SSSG ग्रोथ से 8% SSSG ग्रोथ एवरेज ले आए वो, स्टोर्स नए एडिशन किए हैं, डिजिटल में कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, नए नए कंपनी ने एक्विजिशंस किए हैं उनकी गाइडेंस में, और अच्छा एक्सपैंड किया है कंपनी ने, डिजिटली अपने आप को बहुत ही फुटप्रिंट बढ़ाया है। लेकिन साइमल्टेनियसली ऐसा नहीं है कंपनी के चेयरमैन साहब को पता नहीं है ये बात, वो जल्दी ही कोई नया अपॉइंटमेंट करें, एक बाहर की एजेंसी को हायर किया है इसी काम के लिए कि वो नया अपॉइंटमेंट करें। कंपनी अभी भी डोमिनेंट है, फंडामेंटल ठीक है, नियर टर्म रिएक्शन है और रिएक्शन स्टीप है, लेकिन रिएक्शन इतना जल्दी ही वो रिवोक भी होगा। अगर मान लीजिए कल को नए सीईओ आते हैं और वो बहुत बेहतरीन आते हैं, तो फिर ऑब्वियसली अदर स्टॉक उस तरह का एक वापस रिएक्शन भी दे सकता है। तो एक मैनेजमेंट रीशफल जरूरी था, उसका इम्पैक्ट भी है, लेकिन एक तरफा खाली बिकवाली रहेगी ये चीज सोचना गलत है। डोमिनेंट पोजीशन आज भी है कंपनी की, और आज भी जो इनके प्रोडक्ट है उनकी अच्छी डिमांड है मार्केट्स में। थोड़ा वो इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट भी उन्होंने बताया कि रहेगा, पाम ऑयल के प्राइसेस भागे, वीट के प्राइसेस भागे, चीज के प्राइसेस भागे, मिल्क 7.5% चला, तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन वो सब 2 क्वार्टर के अंदर फिजल आउट हो जाएगा। तो फ्यूचर के हिसाब से अगर आप सोच रहे तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर ट्रेड वाले के हिसाब से सोच रहे तो कुछ भी कहना मुश्किल है। ओके, एबी कैपिटल 1000 शेयर 105 रुपए पे। अजय साहब ये मतलब बहुत ट्रबल्ड रहा है पहले से, 260 रुपए, हाँ शायद 264 रुपए के आसपास के हाइस है, उसके बाद से वो हाइस बनाया नहीं, वहां से लगातार प्रेशर में गया नीचे 60 रुपए और वापस ऊपर। आप ही खरीदारी क्योंकि बीच में है तो आपके लिए कोई ऐसी कंसर्न वाली बात नहीं है, एज ऑफ नाउ तो आप वेट ही करेंगे, और ये सिचुएशन में अगर आपका अपना पैसा है तो आपको वैसे भी वेट करना चाहिए। अगर आपने पैसा कहीं से उधार लेकर नहीं लगाया है और आपकी अपनी पूंजी है तो एटलीस्ट आपके पास शेयर तो है, एंड ऑफ द डे शेयर जीरो नहीं होने वाले हैं, अंटे अनलेस वो कंपनी ऐसी उसका प्रॉफिट ना हो। एबी कैपिटल बड़े ग्रुप की कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, कामकाज भी करती है और नंबर भी 2 क्वार्टर के ठीक थे, तो एटलीस्ट अभी तो आप बने रहिए इसके अंदर, सिचुएशन देखिए उसके हिसाब से कॉल लीजिए, मतलब पैनिक में आने की जरूरत नहीं है बाजार के इस फॉल में भी, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप समय दीजिए अपने पैसे के साथ। हर असेट क्लास पैसा मांग समय मांगता है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो FDs हो,
सबको पैसा आप समय देने के लिए तैयार होते हैं सिवाय इक्विटी के, तो वो तो गलत है ना। तो एटलीस्ट इक्विटी को भी आप समय दीजिए, रिटर्न आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कंपनी में आप बने रहिएगा। ओके, पेटीएम में क्या करें मिश्रा साहब, ये पहले दिन से जिस दिन इसका आईपीओ था तभी से मैं कह रहा हूँ इसमें पैसा मत डालें, मत डालें, मत डालें, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। 5,000 करोड़ या 9,000 करोड़ रुपए का लॉस और 18,000 करोड़ रुपए कंपनी रेज कर रही है, बीट ओएफएस, किसी को भी एग्जिट दिलवा रहे हो, लेकिन पैसा तो उठ ही रहा है ना बाजार से, अब वो सही नहीं है। इतने बड़े लॉस के साथ कंपनी कैसे एग्जिस्ट करेगी, और वही हो रहा है आज। अगर ये टूट रहा है तो ऑब्वियसली बात है लॉस मेकिंग कंपनी है, तो कोई सपोर्ट भी नहीं है, डिविडेंड नहीं, लॉस। तो जब तक ये सिचुएशन नहीं सही होगी ये कंपनी नहीं संभल सकती, चाहे जो भी भाव हो, मतलब कोई भाव आप खुद ही समझिए, लॉस मेकिंग कारोबार को आप क्या भाव देना चाहेंगे, आप वो भाव दे दीजिए जो आपको सही लगता हो। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि जिनकी सीरियस पूंजी गई है, 2150 रुपए पे इशू प्राइस, 600 रुपए का दाम, 70% की मार्केट कैप वाइप आउट हो चुकी है, और अभी भी कोई रिस्पाइट नहीं है। अब अगर अच्छी कंपनी होती, प्रॉफिट मेकिंग होती, डिविडेंड पेइंग होती, तो एटलीस्ट वो बायबैक ले आती, वहां पर आके अपने प्राइसेस को सपोर्ट करती, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो कहां से सपोर्ट होगा। तो इसीलिए इस तरह की कंपनियों को हमेशा के लिए अवॉइड करें। मतलब जितनी खराब कंपनियां, जितनी इस तरह की कंपनियां खराब परफॉर्म करेंगी, उतनी अच्छी कंपनियों की वैल्यू आपको समझ में आएगी। इसीलिए बेटर बिजनेस में जाइए, जिनका बिजनेस पुराना एस्टैब्लिश्ड है और एटलीस्ट कैश जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उनके साथ रहना सेफेस्ट ऑप्शन होता है। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक सीएमपी फॉर लॉन्ग टर्म, आराम से आप होल्ड कर सकते हैं। ध्रुव साहब थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, मतलब आउट राइटली जाने का समय नहीं है। एग्जांपल देता हूं, पिछले कुछ समय से बाजार टूट रहा है, अगर आपने पिछले कुछ समय में बहुत बड़ी पोजीशन ले ली होंगी तो आपके पास सिचुएशन 90% यही होगी, आपके पास इक्विटी ज्यादा होगी, मतलब आपने भर ली होगी इक्विटी अपने अकाउंट में, और अब पैसा नहीं बचा होगा उसे एवरेज करने का, और आपको ल्यूक्रेटिव दाम दिख रहे होंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप एसआईपी करते रहिए, थोड़ा 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 हर महीने लेते रहिए, ऊपर जाएगा कोई बात नहीं जाने दीजिए, फिर नीचे आएगा, तो आपका एवरेज एंड ऑफ द डे नीचे ही आएगा। तो इसीलिए एसआईपी वे में इस बढ़िया स्टॉक्स के साथ रहिए। कोटक एक अच्छी कंपनी है, अच्छा बैंक है, दो राय नहीं इसमें कोई भी, थोड़ा 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 आप एसआईपी वे में से ऐड करते रहिए, ताकि अगर कल को बाजार यहां से और भी क्रैश हो जाए, जो हो भी सकता है, पता नहीं सिचुएशन सिनेरियो नहीं पता कुछ भी, तो अगर ऐसा और होता है तो आप नीचे उसको फर्दर एवरेज करते रहें, और ओवर अ पीरियड आपके पास एक बढ़िया सब्सटेंशियल क्वांटिटी एक सही दाम पर आए। किसी फाइन डे जब तेजी आएगी तो आपका प्राइस ऊपर भी जाने लग जाएगा, आप उस समय कोटक को छोड़ दीजिएगा, आप एचडीएफसी के साथ चले जाइएगा, या आईसीसी के साथ चले जाएगा, या फिर टीसी के साथ चले जाइएगा, क्योंकि हर समय से सारे शेयर एक साथ नहीं चलते हैं। उस समय पर आप उनके उनको एवरेज कर सकते हैं हर नीचे के दाम पर। तो एसआईपी वे पहली चीज, और एक करते रहिए, थोड़ा नीचे ऊपर चलने लग जाए, आपके भाव से ऊपर जा रहा है, एवरेज बहुत ऊपर उठ रहा है, छोड़ दीजिए, दूसरे को देखिए, ऐसे करके आपका एक बढ़िया पोर्टफोलियो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तैयार हो जाएगा। ओके, कोफोर्ज एंड टाटा एलेक्सी, अनिल साहब दोनों कंपनियां तो ऑब्वियसली बात है बढ़िया ही है, कोफोर्ज भी और टाटा एलेक्सी, ज्यादा बेटर मैं टाटा एलेक्सी को मानता हूँ, इक्विटी फ्लोट छोड़ा है क्योंकि, और दूसरा टाटा ग्रुप है, अच्छे बिजनेस के अंदर ये कंपनी काम काज कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली बात है महंगे हैं दोनों के दोनों शेयर। कोफोर्ज फिर भी, इनफैक्ट कल मैं एक आईटी की लिस्ट, मतलब मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें कई कंपनियां जिनकी वैल्यू अपनी इंडस्ट्री से नीचे आ चुकी हैं, उसमें मैंने बहुत सारी आईटी कंपनियां देखी थी, इसमें शायद सोनाटा सॉफ्टवेयर था, हैप्पीएस्ट माइंड भी है उसमें, इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए उसमें सर्किट भी शायद लगा था, लेकिन ये दोनों कंपनियां उसमें नहीं थी, ना टाटा एलेक्सी ना कोफोर्ज, ये दोनों एक तरफा चली हुई है बहुत, तो अभी थोड़ा और शायद कूल ऑफ होना मांग रही है, होने दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सही दाम दिख रहा है ये, तो बढ़िया तरीका यही है कि यहाँ पे आप मान लीजिए 100 शेयर लेना चाहते हैं तो 10 ले लीजिए, धीरे धीरे 5-5-5-5 करके हर फॉल में लेते रहिए, छूट जाए कोई बात नहीं, किसी और दिन आएगा नीचे, हर शेयर का दाम नीचे का आपको मिलता है, कभी ना कभी मिलता जरूर है, वहां ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो जिन लोगों को पहले लगता था कि शेयर का दाम नीचे नहीं आएंगे, आ ही गए ना आखिर, वहां पे आप ले सकते हैं पोजीशन। तो अच्छी कंपनियां हैं दोनों, कोई दो राय नहीं है, थोड़ा नीचे मिलती रहे, जितना सस्ता मिले उतना अच्छा वाला हिसाब है आप पे। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तबन गिरिया साहब, एचएल केस में एक बढ़िया ट्रिगर बन रहा है, मतलब आज सुबह मैं सुन रहा था, किसी जानकार से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा अगले 5 साल में ग्लोबली जो कंपनीज हैं वो डिफेंस पे बहुत खर्चा करेंगी, कंसीडरिंग यूक्रेन रशिया का जो इश्यूज हैं, यूक्रेन भी इनफैक्ट जो शॉर्टेज हो रहे हैं पार्ट्स की अपने डिफेंस को पूरा करने के लिए, उसके लिए वो सप्लाईज मांग रहे हैं यहां, तो उस तरह की सप्लाईज के लिए भी इंडियन कंपनीज आगे आ सकती हैं, ऐसी भी बातचीत उठ रही है बाजार में। खैर, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली बात है डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी, और एचएल एक बढ़िया प्रोमिनेंट प्लेयर है इसमें, तो कंपनी में इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो जरूर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हर सरकारी कंपनी के साथ एक केवीएट होता है,
वो यही कि जैसी उसमें तेजी आती है सरकार अपना स्टेक बेचने आ जाएगी। सरकार स्टेक बेचेगी तो डिस्काउंट पे बेचेगी, प्रीमियम पे तो बेचेगी नहीं, डिस्काउंट पे बेचेगी तो शेयर नीचे आएगा, तो आपको फिर ये इशू आएगा। एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे आप रख सकते हैं, चाहे कोल इंडिया हो, सेल हो, BHEL हो, NMDC हो, NBCC हो, IRCTC हो, IRFC हो, ऐसे बहुत सारे नाम मैं गिनता ही चला जाऊंगा शाम तक जिनमें ऐसा होता गया है। तो आप उस केवीएट के हिसाब से इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो आपको सही टाइम पर अगर एंट्री कर रहे हैं तो एग्जिट भी जरा ध्यान से ही आपने करिएगा। ओके, TCS में क्या करें? 3950 पे आप होल्ड करेंगे संदीप जी? मतलब TCS जैसे स्टॉक को तो आप, आपके पोर्टफोलियो का मस्ट हैव हिस्सा होना चाहिए वो एटलीस्ट। ये बात अलग है कि TCS का बायबैक में रिटेल पार्टिसिपेशन काफी बढ़ चढ़कर आया, इसीलिए उसका जो रेशियो घट के 14 ही रह गया खाली, जो उम्मीद थी 40 आएगा मिनिमम, वो भी नहीं, उसको भी तोड़ गया वो। लेकिन अदरवाइज भी आप 28 रुपए पर शेयर से डिविडेंड देती है TCS हर साल, तो डिविडेंड मिलता रहेगा, क्वालिटी कंपनी है, IT की तेजी को अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगी, तो ऑब्वियसली बात है TCS को तो उसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, बेलवेदर है स्पेस का। आपके स्पेस में आप एक लीडर और एक मिड कैप रखते हैं अगर पोर्टफोलियो में, तो भी आपको TCS रखनी पड़ेगी। तो आप मेरे ख्याल से तो बने रहिए, और ऑब्वियसली बात है पिछले 5 ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से हर बार अपने बायबैक के प्राइस को एक्सीड करके नया हाई बनाया इसने, तो इस बार भी बायबैक 4500 है, वेट एंड वॉच करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। बेस्ट स्मॉल कैप एंड मिड कैप एंड डिविडेंड एंड ग्रोथ, सुमिन साहब को सब कुछ चाहिए, स्मॉल कैप भी, मिड कैप भी, डिविडेंड भी, ग्रोथ भी। बेटर यही नहीं है कि आप अपनी लिस्ट आपने बनाई ही होगी कोई ना कोई मिड कैप स्मॉल कैप की, आई गेस जो आपको लगते होंगे ड्रीम थे, जो शायद कभी ये दाम ना दिखाएं, वो आ रहे हैं ना उस दाम पर, आप उनको देख सकते हैं, और ये बढ़िया दाम मिल रहा है आपको इस समय बाजार में। जिन कंपनियों को आप लगता था जैसे 195 रुपए पे इंडिया बुल्स बहुत महंगा था, 105 रुपए पे इंडिया बुल्स सस्ता नहीं दिख रहा आपको, आपको शायद अब खराब दिख रहा होगा कि अब सिचुएशन खराब हो चुकी है उनके हिसाब से। आज भी इंटरेस्ट रेट लोएस्ट ही है सर, आज भी डिमांड उतनी ही होगी रियल एस्टेट की। अच्छा, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई तो हाँ उसका इम्पैक्ट जरूर मार्जिन के ऊपर आएगा। जेके सीमेंट 3600 पर सब लेना चाह रहे थे, आज 2400 रुपए, 2300 रुपए आ गया। जुबिलेंट फूड अनदर एग्जाम्पल। तो ऐसे लाइक वाइज बहुत सारे नाम है, आप खुद ही अपना असेसमेंट कर लीजिए कि उस समय पर आप जो चीज का दाम देने के लिए तैयार थे आज उससे 40% नीचे मिल रहा है तो भी आप लेने को तैयार नहीं है, और क्यों नहीं है, क्या कंपनी का बिजनेस खराब हो गया है, क्या सिचुएशन खराब हो गई, प्राइसेस बढ़े हैं ना, इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, थोड़ी बार नीचे आ जाएगी, थोड़ा कंपनियां पास ऑन कर देंगी, प्राइस बढ़ जाएगा चीजों का, वो अपने मार्जिन इंटैक्ट कर लेंगी। तो ये सब तो होता ही रहता है, आज से पिछले 20 सालों से ही हो रहा है। जुबिलेंट फूड के लिए पहली बार कोई ना कोई प्राइसेस बढ़े हैं, पहली बार कोई ना कोई CEO गए हैं, तो ये सब तो रहेगा। इस चैलेंजिंग एनवायरमेंट में हमसे ज्यादा वो कंपनी का मैनेजमेंट तैयार है उनको टैकल करने के लिए, तो आप उस पर ट्रस्ट करिए और पैसा उसके हिसाब से डालिए। अच्छा, आंध्रा शुगर 65 रुपए और टाटा कंज्यूमर 650। संजय जी, टाटा कंज्यूमर तो आज सुबह शिवानी सरदा हमारे साथ जुड़ी थी, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की, उन्होंने 720 के टारगेट दिए थे, तो उसके लिए तो यही राय कि आप बने रहिए। वैसे भी FMCG जायंट है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, अच्छी कंपनी है, आप बने रह सकते हैं। आंध्रा शुगर है कि इसमें, हाँ सर ये जरूर है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ और गलत पढ़ा भी हूँ, तो इसलिए मेरे को कोई डिनायल नहीं है इसमें। शुगर के केस में शुगर एक तरफा रैली दिखा रहा है और बियॉन्ड चल रहा है अपनी सिचुएशन सिनेरियो से, डिमांड तो है ही शुगर की, ऑब्वियसली अगर प्राइसेस बढ़े तो रियलाइजेशन बढ़िया होंगे इनके, लेकिन एथेनॉल स्टोरी भी आ गई, ब्लेंडिंग की स्टोरी आ गई, पावर की स्टोरी आ गई, तो बहुत सारी स्टोरीज के बीच चल रहा है, तो जरा ध्यान संभल के रहिए कि एक तरफा तेजी हर स्टॉक के लिए खतरनाक होती है, चाहे वो BSE हो चाहे वो शुगर हो, तो जरा ध्यान संभल के अपनी पोजिशन को रखिएगा, आप कैपिटल प्रोटेक्ट करिएगा, ये बाजार में यही सबसे ज्यादा जरूरी है। ये लेसन पहले दिन से मैंने भी सीखा और आपको भी बता रहा हूं कि कैपिटल प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। कैपिटल 10 साल आपने प्रोटेक्ट कर लिया, पैसा अपने आप बन जाएगा, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। ओके, इन्फोसिस 651, वाह। जेन टेक्नोलॉजीज 150 रुपए, वाह। शिष्य साहब क्या करना, आप बने रहिए आराम से सारी पोजिशनों के अंदर, क्यों बेचना चाह रहे हैं, आपके दाम के नीचे आए तो और एड कर लीजिएगा, आपने व्यू क्या रखा है उस पर डिपेंड करता है। अगर ऑप्टिमिज्म आपका व्यू है तो आप जरूर बने रहिए, अगर पैसिमिज्म आपका व्यू है तो आप निकल जाइए, क्योंकि इन्फोसिस जैसी कंपनी रिसेंटली मुझे दिख तो नहीं रहा बंद होते हुए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर तो शेयर ऑलरेडी पहुंच चुका है, स्लोली स्लोली सरक सरक के अच्छे टर्नओवर के साथ चल रहा है, आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकेंगे ठीक है, और जेंसार भी अपने अच्छे दाम पे खरीद रखा है, दोनों बने रहना ज्यादा बेटर है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत रिस्क है तो आप ये कर सकते हैं कि आपके अगर 100 शेयर हैं तो आप 40 बेच दीजिए, 30 बेच दीजिए, एटलीस्ट कुछ पैसा निकाल के अपने टेबल से अपने पास ले लीजिए, जैसे ही वो आ जाएगा बचे हुए शेयर आपके फ्री हो जाएंगे, तो आप पड़े रहने दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसी की जरूरत नहीं लग रही मुझे, तो नीचे आपके दाम के आसपास है तो और ऐड कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा जी,
स्पाइस जेट पे जैन साहब न्यूज फ्लोस तो ठीक नहीं है और सिचुएशन सिनेरियो भी ठीक नहीं है। इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही है, वो एक अच्छा ट्रिगर इनके लिए हो सकता है, लेकिन हैविंग सेड दैट एक बड़ा कंसर्न क्रूड के प्राइसेस हैं। 48% इनके लिए इनपुट कॉस्ट लाता है ये, और इतनी तेज क्रूड के दाम बढ़े हैं, ये लोग दाम पास ऑन तो क्या करेंगे फैट फेयर में, अभी तक तो पैसेंजर इतने नहीं आ रहे, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा और मासिव इम्पैक्ट आ सकता है इनपुट कॉस्ट का इनके ऊपर तो, और डेट भी है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी है, तो ये चीजों का ध्यान रखकर थोड़ा कंसर्न तो रहेगा। अभी बाजार नहीं समझेगा इस बात को, शायद 2 क्वार्टर में समझ जाएगा, लेकिन इस लिहाज से आप इसे देखिएगा। लीडर एक बार को फिर भी पोजीशन बेटर पोजीशन होते हैं निकालने के लिए, और इंडियन एयरलाइंस का टाटा का खरीद लेना भी इस सेक्टर में स्पाइस जेट के लिए कंसर्न है, क्योंकि 13% मार्केट शेयर स्पाइस जेट का था और 13-14% ही इंडियन एयरलाइंस का था, बाकी एयरलाइंस अब मिला के वो ज्यादा था, तो वो अगर किसी अच्छे प्लेयर के हाथ में आ गया है तो ऑब्वियसली बात है जो बाकी नेक्स्ट प्लेयर है उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो शायद थोड़ा डी रेटिंग हो स्टॉक की, लेकिन आपको अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, वो ज्यादा बेटर, तेजी मिले तो आप निकल जाए सबसे सही यही रहेगा। डिविडेंड एंड ग्रोथ शेयर, सर डिविडेंड अलग होता है, ग्रोथ अलग होता है। डिविडेंड के लिए आपको जानना है तो आप पीएसयूज में जाएंगे, पीएसयूज अच्छा डिविडेंड देती है। सर दो लोगों को आप हमेशा डिविडेंड के लिए एक चीज याद रखिएगा, जिनके प्रमोटर को पैसा चाहिए वो डिविडेंड ज्यादा देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एलआईसी, आप पीएससी प्राइवेट में वेदांता को देख सकते हैं, क्योंकि वो बायबैक कर रहे थे और डीलिस्टिंग कर रहे थे तो उनको डिविडेंड चाहिए, इसलिए हिंदुस्तान जिंक अच्छा डिविडेंड देती है, और पीएसयू भी सारी है, सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरे करने होते हैं, अपनी रकम चाहिए होती है, इसलिए वो डिविडेंड ज्यादा लेते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज अपना डिविडेंड ज्यादा लेती है, तो ये डिविडेंड के स्टॉक हो गए। ग्रोथ स्टॉक बहुत एग्रेसिव स्टॉक्स होते हैं, जहां पर आप मोमेंटम अच्छा देखते हैं, तेजी पकड़ते हैं, दोनों का मिक्स ब्लेंड आपको आईटी मिल सकता है, जहां थोड़ा बहुत डिविडेंड थोड़ा बहुत ग्रोथ मिलेगा, तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। इंडिगो पेंट, शर्मा साहब आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जेके सीमेंट के ऊपर, वो एक रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट में जेके सीमेंट पेंट में उतर रहा है, 7-8% मार्केट शेयर वो कैप्चर करना चाह रहा है, 8% मार्केट शेयर तो इंडिगो पेंट का है, तो थोड़ा कंसर्न उनके लिए रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, इतने पेंट में उतर रहा है, अल्ट्राटेक आ गया, कामधेनु ऑलरेडी है, इंडिगो, ये जेके भी उतर रहा है, थोड़ा कंसर्न रहेगा, इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट भी रहेगा, तेजी में निकले ज्यादा बेटर, और अभी भी बहुत दिन हुए नहीं लिस्ट हुए हुए, तो अभी नंबर्स भी देखने होंगे इनके। खैर चले आज बातचीत में बहुत टाइम लग गया, माफी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे, कोशिश जारी है ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने की, लेकिन पता है कि सवाल ही बहुत सारे हैं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।